नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं बना रही हूँ घर पे डेकोरेट करके रखने के लिए मिट्टी से एक छोटा सा पाइनएप्पल। और आप अगर मेरे चैनल पे आज नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं ये पाइनएप्पल मैंने कैसे बनाया। और ये पाइनएप्पल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया थोड़ा सा मिट्टी, पानी और कुछ बेम्बो का टूल्स। अब मैं सबसे पहले थोड़ा सा मिट्टी हाथों में लेके ऐसे ऐसे बॉल जैसे बना लूँगी। और आप चाहे तो इससे थोड़ा ज़्यादा भी मिट्टी ले सकते हैं, क्योंकि मैं ये छोटा सा एक पाइनएप्पल बना रही हूँ। इसलिए आप इससे बड़ा पाइनएप्पल बनाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा मिट्टी लेना पड़ेगा। अब मैं इस मिट्टी के ऊपर इस बेम्बो का स्टिक से कुछ डिज़ाइन बना लूँगी, जैसे पाइनएप्पल का ऊपर का डिज़ाइन होता है ऐसे ही मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे ही इस मिट्टी के ऊपर ऐसे पूरा डिज़ाइन बना लूँगी। ऐसे डिज़ाइन बना लेने के बाद अब मैं और थोड़ा मिट्टी लेके इन डिज़ाइनों के ऊपर ऐसे ऐसे लगा लूँगी। और ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी को इसके ऊपर ऐसे लगा लूँगी। और ये पाइनएप्पल बनाना बहुत आसान है, आप भी चाहे तो इसे बना सकते हैं और घर पे डेकोरेट करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे एक ट्रे पे रख के ऐसे ऐसे मिट्टी को लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पाइनएप्पल हो चुका है। अब मैं इसे धूप में रख दूंगी सूखने के लिए। ये जब सूख जाएगा तब मैं इसे कलर कर लूंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मिट्टी का पाइनएप्पल पूरा सूख चुका है। अब मैं इसे कलर कर लूंगी। इसे कलर करने के लिए सबसे पहले मैं इसे येलो कलर कर लूंगी। करने के बाद अब मैं थोड़ा सा ग्रीन के साथ ब्लैक कलर मिक्स्ड करके ऐसे कलर कर लूंगी। और ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारा फ्रूट्स बनाया है मिट्टी से, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। आपने नहीं देखा है तो मेरा चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। और वैसे ही आप भी बनाकर घर पे डेकोरेट करके रख सकते हैं। और ऐसे ही इस मिट्टी का पाइनएप्पल को पूरा कलर कर लेने के बाद अब मैं एक पेपर को ग्रीन कलर कर लिया, उससे कुछ पाइनएप्पल के पत्ते बना लूँगी। अब मैं इन सारे पत्तों को एक एक करके ऐसे चिपका लूँगी। ऐसे चिपका लेने के बाद अब मैं इसे इस मिट्टी की पाइनएप्पल के ऊपर ऐसे चिपका लूँगी। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मिट्टी का पाइनएप्पल बनाना पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप भी चाहे तो ऐसे मिट्टी का पाइनएप्पल बना सकते हैं और घर पे डेकोरेट करके रख सकते हैं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी को अगर ये मिट्टी का पाइनएप्पल बनाना अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।